हे गाइस हाउ आर यू। तो आज का जो मेरा ये वीडियो स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं एक पार्क में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वीडियो में आज जो इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो आएगी उसमें किच किच कुछ 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 होता रहे, सिर में दर्द हो जाए आप लोगों के भी सुनने में। तो इसलिए मैंने आज ये लोकेशन चूज़ करी है कि मैं आप लोगों से थोड़ी शांति से और अच्छी तरीके से बात करूंगा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। वेलकम बैक टू अ चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज हम बात करेंगे किस टॉपिक पे, वो है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। मैंने कितना खर्चा किया है, मैंने क्या इक्विपमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आज हम सिर्फ उस पर ही बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। एंड में मैं ये ज़रूर बताऊँगा आपको ब्लॉगिंग के लिए किस किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो बिना किसी खर्चा करें। टॉपिक मैंने अपने इस वाले सैमसंग वाले फ़ोन में लिखे हुए हैं जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। मेरे हिसाब से मैं कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ या फिर ऐसा कुछ है, मैं आई एम जस्ट अ बिगनर। तो जो मैंने सोचा है ब्लॉगिंग क्या होती है, मेरी एक होती है लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग, मतलब जो मैं सुबह से कर रहा हूँ, मतलब जो डेली रूटीन है, कहीं घूमने जा रहा हूँ या फिर कुछ भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं करता हूँ, वो वाली ब्लॉगिंग। कुछ लोग करते हैं मोटो ब्लॉगिंग, कुछ लोग करते हैं फूड ब्लॉगिंग, तो सबका अलग अलग एक नीश है जिस पे लोग अपना ब्लॉग डालते हैं, राइट। कहीं गलत हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ अखिल आपने ये बात गलत बोली है, या अखिल तूने भाई ये बात गलत बोली है, मेरे को ज़रूर बता देना। ब्लॉगिंग जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला माइंड में हमारे क्या आता है कि हमको चाहिए क्या, एक सेटअप इक्विपमेंट्स, जैसे कि DSLR हमको चाहिए, एक अच्छा माइक हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या। पहले स्टार्ट करने से पहले ही माइंड में 1.25 लाख का खर्चा आ जाता है आराम से, बहुत जल्दी से। सही बता रहा हूँ, मेरी भी आया था, पर मैंने वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने स्टार्ट किया कि हाँ मेरे पास मेरा सेटअप है, मैं उसको फटाफट से स्टार्ट करता हूँ ब्लॉगिंग जो भी मेरे को स्टार्ट करनी है। मैं मानता हूँ जो मेरा पहला ब्लॉग है, उसके बाद भी कुछ ब्लॉग्स आए हैं वो काफ़ी बोरिंग रहे होंगे, जैसा भी था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने बिना किसी खर्चे के स्टार्ट किया। तो मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ कि DSLR नहीं कोई भी ज़रूरत है, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है ठीक है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, अभी मैं दूसरा टॉपिक चेक कर लेता हूँ कौन सा है, मैं भूल गया। मैंने जो दूसरा टॉपिक लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है हाउ टू व्लॉग इन पब्लिक। अब देखो, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लिटरली बता रहा हूँ, मैं पब्लिक में जा रहा हूँ तो आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड कि मैं जा रहा हूँ लोग देख रहे हैं ये वो, बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता था ना यार, क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे, मतलब समझ रहे हो। अगर आप भी स्टार्ट करोगे या फिर आपने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया तो आपके मन में भी ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, 100% आएंगी ही आएंगी। तो इससे ओवरकम कैसे करना है, जैसे कि मैंने करा है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको अपने सिर्फ और सिर्फ कैमरा में देखना है, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपको किसी भी पब्लिक को देखना ही नहीं है, अगर आप पब्लिक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग हमें देख रहे हैं, तब आप नर्वस फील करोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है सबको। तो इसलिए सबसे बेटर इसका क्या है, हमेशा आपने कैमरे में देखो, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पब्लिक में थोड़ा, मतलब बिल्कुल ये नहीं पब्लिक के अंदर घुस जाओ जाकर, समझ रहे हो, मतलब पब्लिक के अंदर घुसना नहीं है, उनके थोड़ा आसपास चलते चलते बातें करो तो आपका थोड़ा बहुत डर भी खुलता रहेगा। हाउ टू ओवरकम दिस फियर, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब जो तीसरा टॉपिक है, हमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए वो ज़रूरत किस किस चीज़ की है। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करी है, मैंने कोई भी DSLR अब तक परचेज़ नहीं किया है, एंड आई एम श्योर और मैं परचेज़ भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले बड़ी गलती करी थी मैं आपको आज बताता हूँ। जब भी मैं पहले अपने सैमसंग नोट 10 से वीडियो बनाता था, तब मेरे को समझ में आया कि ये फ्रंट कैमरा से नहीं, हमेशा आपको अपने बैक कैमरा से ब्लॉगिंग करनी, हमेशा आपको अपने कैमरे में देखना है, वो मैं इसलिए कह रहा था। अब देखो, अभी मैं आपके अपने लेंस में बात, मतलब मैं अपने लेंस में डायरेक्ट आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ मैं स्क्रीन पे, देखना मेरी आंखें कैसी हो जाएंगी, समझ रहे हो। अब मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ, मतलब मैं आपसे अपनी स्क्रीन पे देख के बात कर रहा हूँ, तो कितना अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि आप, और लिटरली मेरे को किसी ने ये बोला भी है कि अखिल भाई महंगा लग रहा है, क्या कहाँ देख रहा है वीडियो पर। तो उस दिन से मेरे को समझ में आया कि मेरे को स्क्रीन पर नहीं, मेरे को हमेशा अपने लेंस में देखना है। तो ये वाली गलती आप मत करना, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं जो बिगनर्स हैं, मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, तो वो अभी भी अपने कैमरा में नहीं देख रहे हैं, वो अभी भी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उनकी आंखें भेंगी आ रही हैं। तो इसलिए वाली गलती मत करना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्विपमेंट्स क्या जरूरत है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो में, इक्विपमेंट्स एक बार देख लो कि मैं क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ और आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। रुको एक मिनट, तो चलो अभी बात करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ रहेगी व्लॉगिंग करने के टाइम पर। सबसे पहले जो मैंने परचेज़ किया था वो था ये वाला माइक, ये है बोया का माइक, काफ़ी अच्छा है, फेदर के साथ है, जितने भी विंड वगैरह आती है उसमें आवाज़ नहीं आती है, इसे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यही वाला माइक लो, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं। अगर आपके पास मोबाइल में जो आपकी ईयरफोन्स आते हैं अगर आपके पास वो है तो वेल एंड गुड है,
नहीं तो अगर आप अपने घर में वीडियोस बना रहे हैं तो आपके मोबाइल का जो माइक है उससे अच्छा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा। अभी आप स्टार्ट करो अपने जो फ़ोन के माइक है या तो उससे या फिर जो ईयरफोन्स होते हैं उसमें। देखो जैसे मैं कई बार मैंने वीडियोस ये बनाई, जैसे ईयरफोन में माइक होता है ये भी काफ़ी अच्छा होता है, इससे भी आपकी वीडियो में काफ़ी मतलब अच्छा साउंड क्वालिटी अच्छी रहती है तो ख़राब नहीं होती है। पहला जो इक्विपमेंट्स मैंने क्लियर कर दिया उसमें। अब जो आपका एक माइक आता है वो आता है शायद 98 रुपीज़ का, वो आपका कॉलर माइक होता है, उससे आपका जो माइक का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो आपका दूसरा खर्चा है मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका ट्राईपॉड का। अभी मैं कौन सा ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहला ट्राईपॉड लिया था वो मेरा आया था 180 रुपीज़ का, जिससे मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। कितना खर्चा हुआ? 280 रुपीज़। तो 280 रुपये में मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, इतने कम खर्चे के साथ। लेकिन लोग सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी कम बजट से स्टार्ट करनी है वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा ट्राईपॉड कौन सा है और मैं कौन सा ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं अपने ट्राईपॉड की। तो जो ट्राईपॉड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये ओलांजे का ट्राईपॉड। इसके काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा दो तीन चीज़ें मैं अपने शॉर्ट्स में, कैसे इस पर जैसे कहीं भी आप इसको फ़ोन इस पर लगा सकते हो। ये ना थोड़ा फ्लेक्सिबल है, समझ लो। अभी मैं दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ तो आपको ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ मैं इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन इससे पहले मैंने जो लिया था वो था सिर्फ 200 रुपये का, मतलब 180 रुपीज़ का। तो उससे भी आप ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ये वाला आपको लेना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें, आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको राउंड अराउंड मिलेगा 1500 या फिर 1800 के आसपास का। और ये वाला जो माइक है मैंने आपको दिखाया था, ये वाला माइक भी आपको शायद 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अमेजोन पे महंगा मिलेगा, अगर आपकी कोई भी लोकल मार्केट है आसपास अच्छी फ़ोन की तो आप उनसे ले सकते हो, आपको वहाँ 1500 रुपये का बहुत हंस के दे देंगे। बोया का एक और माइक आता है, वो आता है कॉलर माइक, वो आता है 780 या 700 के आसपास का, वो वाला माइक आता है। अगर लोकल मार्केट से लोगे तो 700 का मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई फ़ोन का माइक मतलब फ़ोन का जो ईयरपोड्स हैं उससे स्टार्ट कर लो या किस चीज़ से स्टार्ट कर लो। लेकिन मैं ये ट्राईपॉड इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं सोलो वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो कहीं पे रख के इसको थोड़ा बहुत शूट करना या से वहाँ से वहाँ जाना या फिर इसको कहीं पे पेड़ पर अटका कर मतलब हैंग कर, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो वहाँ पे रख जाता है। अभी दिखाता हूँ आपको एक शॉट में कैसे शॉट की बात कर रहा हूँ आपसे, रुको एक बार। तो ये अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने सैमसंग नोट 10 प्लस से। और जो मैं आपको सेटअप की बात कर रहा हूँ कि वो ट्राईपॉड मेरे को किस किस हेल्प में आता है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो मैंने कहाँ पे भी लगाया और कैसे वो काम कर रहा है अपना ये देखो। मतलब अगर आपको कोई भी शूट लेना है तो इसको आप यहाँ पे ऐसे हैंग कर दो या फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी अटक जाता है। तो इससे आपकी जो आपकी वीडियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। ले सकते हो तो आप इसको प्लीज़ ले लो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको क्योंकि ये कहीं भी अभी देखो ये यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने आईफोन से और अभी मैं शूट कर रहा हूँ अपने नोट 10 से, तो दोनों से शूट करता करता चल रहा हूँ। अच्छा ये भी बता देना किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर आ रही है आप लोगों को, मैं दोनों ही क्लिप डाल दूंगा एक साथ। सेटअप इसका मैं कैसे सेटअप यूज़ करता हूँ, ये वाला है मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें 1080p क्वालिटी में वीडियो बन सकती है और उसमें टाइम लैप्स है तो बहुत बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी आने वाली यूट्यूब के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू खर्चा करने के लिए, आप इसको अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा ये भी बता देना किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर आ रही है आप लोगों को, मैं दोनों ही क्लिप डाल दूंगा एक साथ। तो मैंने आपको दिखा दिया ये रहा पूरा सेटअप इसका। सो इस वीडियो करता हूँ ये पे एंड एज ऑलवेज शुक्रान विदा मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। और पार्क के थोड़े बहुत मज़े ले लेता हूँ, बहुत दिन से पार्क में आया भी नहीं हूँ। आज मेरा सुबह आने का प्लान था पार्क में लेकिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठा था इसलिए पार्क में आ पाया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी सड़ी हुई। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। अभी ऐसा पोपट होते होते बचाना अंदर में जब अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था, मतलब मैं जो वीडियो बना रहा था अभी लिटरली लड़की मेरे पास आई बोल रही है भैया आपने जो वीडियो बनाई जैसे मैं तो नहीं आ रही हूँ ना, मैं आपसे बहुत देर से छुप छुप के भाग रही हूँ, मैं को हंसी आ रही है इतनी ज़्यादा। कह रही मैं उनके साथ बैठी हूँ तो ना मैं वीडियो में ना जाऊँ, एक बार प्लीज़ देख लो आप वीडियो में, मेरे को लग रहा है भैया आप मेरे पीछे पीछे ही भाग रहे हो, मेरे पीछे पीछे ही आप वीडियो बना रहे हो। मैंने लिटरली वो वीडियो करी वहीं पर बंद और मैंने चेक करके देखा है उसको कि वो वीडियो में आ रही है नहीं आ रही है, तो बड़ा फनी सा सीन हो गया था। चलो बाय बाय आपको।